हाउस डिजाइन 27 फीट बाय 27 फीट, जो कि टोटल 729 स्क्वायर फीट का होगा। इसमें 2 BHK बनाया गया है हाउस प्लान। इसमें इस साइड से टोटल 27 फीट 0 इंच और इस साइड से 27 फीट 0 इंच रखा गया। इसका हम आउटर वॉल ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा कंप्लीट आउटर वॉल हो जाएगा। ये इसमें आउटर वॉल रेड कलर से दिया गया है और पार्टीशन वॉल भी, तो 125 mm रख सकते हैं आप पार्टीशन वॉल और आउटर वॉल, यानी कि टोटल 5 इंच का आउटर वॉल हो जाएगा। ये आउटर वॉल हो जाएगा। वीडियो में हम सारा डिटेल में देखेंगे इसकी टोटल कॉस्टिंग कितनी होगी, इसमें टोटल कितने पिलर यूज होगा, सारा कुछ हम लास्ट में देखेंगे, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। ये कंप्लीट ये आउटर वॉल हो गया, ये पार्टीशन वॉल। अब हम इसकी विंडो ड्रॉ कर लेते हैं येलो कलर से। ये विंडो, ये विंडो। आप विंडो अपने नेवर ओपनिंग स्पेस के हिसाब से रीअरेंज भी कर सकते हैं। ये स्टेयर वाला पार्ट हो जाएगा ये विंडो, और एक ये विंडो हो जाएगा। ये विंडो एरिया, ये डाइनिंग एरिया में विंडो, एक इस रूम में, एक इस साइड विंडो दिया गया है। ये वेंटिलेशन का होगा, स्टेयर वाला विंडो। लिविंग एरिया में एक विंडो प्रोवाइड किया गया है, एक ये विंडो हो जाएगा और एक इस रूम में विंडो हो जाएगा। अब हम इसकी बात करते हैं मेन डिटेल्स की। तो ये हमारा मेन इंट्रेंस हो जाएगा, मेन इंट्रेंस डोर, जो कि 7 फीट का रखा गया है और इस साइड से भी ओपन रखा गया कंप्लीट, ये 11 फीट का हो जाएगा। तो दोनों साइड से अगर रास्ता है तो आप ओपन रख सकते हैं। ये कंप्लीट पार्किंग एरिया हो जाएगा, जो कि इस साइड से 7 फीट और इस साइड से 11 फीट हो जाएगा। उसके बाद ये एक डोर हो जाएगा, इसमें डोर आप 4 फीट का रख सकते हैं, 4 फीट बाय 8 फीट का मेन डोर। इसके जस्ट बाद हमारा लिविंग एरिया आ जाएगा। लिविंग एरिया यहाँ पे 14 फीट बाय 10 फीट का हो जाएगा, जो कि इस साइड से 14 फीट और इस साइड से 10 फीट हो जाएगा। इसी में एक स्टेयर भी दिया गया है, ये स्टेयर हो जाएगा, जो कि 3 फीट का आप रख सकते हैं, ऐसे राउंड अप होके फर्स्ट फ्लोर पे चला जाएगा। उसके बाद ये हमारा पासेज हो जाएगा, जो कि 4 फीट का रखा गया है। ये हो जाएगी इसकी कॉमन लेट बाथ, डोर इनसाइड ओपन होगी, कॉमन लेट प्लस बाथ, जिसकी डायमेंशन इस साइड से 7 फीट और इस साइड से 5 फीट रखा गया। इसकी बेडरूम की बात करें तो ये एक बेडरूम हो जाएगा, डोर इनसाइड ओपन होगी, ये बेडरूम फर्स्ट हो जाएगा, साइड से 10 फीट और इस साइड से 10 फीट। इसमें 2 विंडो दिया गया है। ये हमारा बेडरूम सेकंड हो जाएगा, बेडरूम सेकंड। इसकी डायमेंशन 11 फीट इस साइड से और अदर साइड 11 फीट हो जाएगा। इसमें आप टीवी यूनिट और कैबिनेट अपने हिसाब से अरेंज कर सकते हैं। उसके बाद ये हमारी किचन हो जाएगी, जो कि इस साइड 7 फीट और इस साइड 9 फीट रखा गया है, और साथ में एक डाइनिंग एरिया भी दिया गया है, जो कि इस साइड 6 फीट और इस साइड से टोटल 7 फीट का होगा। काफ़ी स्पेस हो जाता है डाइनिंग एरिया में। किचन में भी 2 विंडो दिया गया है, ताकि प्रॉपर वेंटिलेशन हो सके, एक इस साइड और एक इस साइड। फर्स्ट फ्लोर पे जाने के बाद अब आप इसे एज इट इज रख सकते हैं। इसकी आउटर वॉल की बात करें तो ये 5 इंच हो जाएगा, 125 mm, और पार्टीशन वॉल भी 5 इंच का हो जाएगा। इसमें हम नंबर ऑफ पिलर काउंट कर लेते हैं, तो कंप्लीट हाउस में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
तो टोटल इसमें 13 पिलर दिया गया है। पिलर की डायमेंशन यहाँ पे 10 इंच बाय 10 इंच का हो जाएगा जी प्लस 2 फ्लोर तक के लिए। इसके हम कंस्ट्रक्शन कॉस्टिंग की बात करें तो कंप्लीट हाउस में आपको अप्रॉक्स 10 लाख रुपया लग जाएगा ग्राउंड फ्लोर को कंप्लीट करने में। ये आज का हाउस प्लान 27 फीट बाय 27 फीट का 2 BHK हाउस प्लान है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।